टोक्यो ओलंपिक में भारत का खुला खाता। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता रजत पदक। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। वेटलिफ्टिंग में 21 साल बाद जीता कोई पदक। वेटलिफ्टिंग में जीता रजत पदक। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिल गई है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि इस भार वर्ग में स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही हैं। आपको बता दें कि अपने क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू ने 110 किलोग्राम का वजन उठाया और दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू ने 115 किलोग्राम वजन उठाया। हालांकि वो अपने तीसरे प्रयास में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद उनकी झोली में रजत पदक आया है और ये रजत पदक वेटलिफ्टिंग के इतिहास में 21 साल बाद आया है। आपको बता दें कि मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है और उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से ये साबित किया है कि मेहनत और लगन के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को वेटलिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने 6 लिफ्टिंग की थी और इसी दौरान 6 रिकॉर्ड भी तोड़े थे और महिलाओं की वेटलिफ्टिंग में उस वक्त उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था। अपनी इसी खेल प्रतिभा की बदौलत भारत सरकार ने उन्हें इसी साल पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया है। कुल मिलाकर मीराबाई चानू की इस जीत पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी जीत के साथ और भी पदक की उम्मीदें पूरे देश में बढ़ गई हैं। मीराबाई चानू की इस उपलब्धि से उनके गृह क्षेत्र मणिपुर सहित पूरे देश में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस जीत पर उन्हें बधाई दी है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।